नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम अग्रवाल और आपका स्वागत है कॉर्नी वीडियो के अंदर। जैसे कि आपने इंट्रो में देखा, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं ब्लिंकिंग क्लोन इफेक्ट, कि हम किसी ऑब्जेक्ट या किसी बंदे को क्लोन करके अपनी एक ही वीडियो के अंदर दो बारी ब्लिंक कैसे करवा सकते हैं। तो ये वाला जो इफेक्ट है, ये सारी वीडियोस पे नहीं चल पाता है प्रीमियर प्रो के अंदर, क्योंकि प्रीमियर प्रो में आप 3D स्पेस पे काम नहीं कर सकते हो। प्रीमियर प्रो पे आप 2D स्पेस पे प्लस जितना अगर ट्राइपॉड शॉट हो तो इट विल वर्क द बेस्ट। सो यू कांट यूज इट ऑन एवरी क्लिप, बट इट्स अ वेरी गुड इफेक्ट टू नो कि आप प्रीमियर प्रो में किसी किसी क्लिप्स पे कैसे कैसे आप कर सकते हो। सो जैसे कि आप ये वाली क्लिप देख सकते हो कि इसमें ये बंदा है जो थ्रू आउट आपका लेफ्ट टू राइट वॉक कर रहा है और स्टेबल शॉट है पूरा। आपका मेन जो ऑब्जेक्ट है या आपका मेन जो आपका सब्जेक्ट है, ये आपका मूव कर रहा है, आपकी वेज भी हल्की हल्की मूव कर रही है, तो मगर इतना पता नहीं लगेगा, हम मास्क के हिसाब से बनाएंगे। बट अगर वो भी ना मूव करे तो इट विल वर्क मोर द बेस्ट, बिकॉज आपका जितना डिस्ट्रैक्शन कम होगा उतना ज़्यादा बढ़िया लगेगा। इसके अंदर हम करेंगे मास्किंग। सो मास्किंग के लिए सबसे पहले आप इस वाली क्लिप को ऑल्ट करके ड्रैग कर दो ताकि आपकी हो जाए कॉपी। और अब हमें इस, अगर जब ये बंदा यहाँ से शुरू हो रहा है तो हमें ये यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे ब्लिंक होता हुआ चाहिए, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ड्रैग करके क्लिप यहाँ से ट्रिम कर देंगे ताकि हमारा ये वाला जो पोर्शन है ये आ जाए। मास्क के लिए हम ये वाला मास्क यूज़ करते हैं, पॉलीगॉन मास्क। पॉलीगॉन मास्क हम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको पहले एक बार ना 150 टाइप कर देते हैं ताकि हमें बिल्कुल क्लियरली सब कुछ दिखता रहे। ठीक है, जितना हम इसको क्लीन बना सकते हैं, मतलब आपका जो मेन सब्जेक्ट की चीज़ें हैं जैसे पैर वगैरह वो क्रॉप ना हो, बट जितना ज़्यादा नियर टू द सब्जेक्ट हम मास्क बना सकते हैं। यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट इस वाली क्लिप के लिए। या वैसे जर्नली जैसे उसमें पैर कट गया तो मैं इस वाले को थोड़ा सा यहाँ पे खींच दूँगा, आई गेस इसको थोड़ा सा और ब्रीदिंग रूम दे देते हैं, आई गेस दिस इज़ गुड। अब इसको हम करेंगे ट्रैक। तो ट्रैक करने के लिए आप यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रैक भी कर सकते हो, जो प्रीमियर प्रो आपके हिसाब से खुद ट्रैक कर देता है, मगर ये मैनुअली हम कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा मोमेंट्स नहीं है। तो अगर यहाँ पे हम इसको मास्क पाथ पे क्लिक करें तो हमारे की फ्रेम बन जाएगा, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो जो मास्क है उसको हम हल्का सा शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे और इस वाले मास्क को हम शिफ्ट कर देते हैं और एक और की फ्रेम बना देते हैं लास्ट के लिए और इस वाले मास्क को यस शिफ्ट कर देते हैं। और ये वाला जो क्लिप है हम थोड़ा पीछे डाल देते हैं ताकि हमें पता लगता रहे कि कैसे काम कर रहा है। अब जैसे कि अब यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ, आप देख सकते हो कि दो बंदे मतलब चल रहे हैं ऐसा लग रहा है। अब इसके अंदर हमने डालना है ब्लिंक इफेक्ट। ब्लिंक इफेक्ट के लिए आप जब इफेक्ट्स पैनल पे जाओगे, इफेक्ट्स पैनल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, नहीं तो अगर ऑल पैनल पे जाओगे असेंबली पे या लर्निंग पे तो आपको राइट साइड पे सारे पैनल्स मिल जाएंगे। इफेक्ट्स पे हम जाएंगे, सर्च करेंगे स्ट्रॉब इफेक्ट, स्टाइलस के अंदर स्ट्रॉब लाइट आपको इफेक्ट मिल जाएगा, इसको आप इसके ऊपर डालो। नीचे आओ, एक तो हम जो स्ट्रॉब का है ऑपरेट्स ऑन कलर ओनली नहीं मेक्स लेयर ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अब इसके अंदर आता है स्टॉप ड्यूरेशन, स्टॉप पीरियड के कितने ड्यूरेशन के बाद कितना देर का आपका वो ब्लिंक आएगा। तो 1 सेकंड तो बहुत ज़्यादा, अगर हम 0.4 करें इसको और इसको हम कर दें 0.2, ठीक है, एंड ब्लेंड विद ओरिजिनल कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार प्ले करके देखें तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये ब्लिंक कर रहा है आपका एक डिस्टेंस पे। अगर आपको डिस्टेंस इसका कम करना है तो आप थोड़ा सा इसको आगे कर दो तो आपका जो नीचे वाला लेयर है उससे थोड़ा आगे होगा तो आपका डिस्टेंस कम हो जाएगा।
सो ये वाला इफेक्ट है, बड़े अलग अलग जगह पे आप यूज़ कर सकते हो, म्यूजिक वीडियो में यूज़ कर सकते हो, और काफ़ी अच्छा क्रिएटिव इफेक्ट है, बट कुछ सर्टेन क्लिप्स पर ही काम करेगा, सो वो थोड़ा इसका ड्रॉप आएगा प्रीमियम प्रो के अंदर। सो आई गेस दिस इज़ प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई और वीडियो और कोई और ट्यूटोरियल जानना है तो आप मुझे लिंक इंस्टाग्राम पर DM कर दो, ताकि मैं उस पर एक ट्यूटोरियल बना सकूं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि वाला इफेक्ट कैसे करना है। और प्रीमियम प्रो अगर आपको सीखना है तो उसका वीडियो एडिटिंग सीरीज़ का पूरा लिंक आपको नीचे मिल ही जाएगा, उसके अंदर आप सारा सीख सकते हो कि प्रीमियम प्रो में सारे इफेक्ट्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब उसकी एप्लीकेशंस में इन वाली वीडियोस में बता रहा हूँ, बट बेसिक्स फाउंडेशन आपको उन्हीं वीडियो से पता लगेगा कि आप क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे आप कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर वीडियो एडिटर फिल्म मेकर दोस्तों के साथ, ताकि उनको पता लगता रहे कि क्या क्या इफेक्ट्स हम यहाँ पे सीख रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, और क्या क्या मतलब हो रहा है यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल मोस्ट प्रॉबली सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर।